हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले ही जब पाकिस्तान में ही टीम थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दौरे पर आने से पहले बाबर आजम ने, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था। सवाल यह था कि क्या बाबर आजम बिग बैश लीग खेलेंगे, क्योंकि एरन फिंच जो है मेलबर्न रेनेगेट्स के शायद वो कप्तान है, उन्होंने खुले दिल से उन्होंने कहा था कि अगर बाबर आजम जैसे बल्लेबाज बीबीएल में आके खेलते हैं, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में आके खेलते हैं, तो इससे बीबीएल की शान बढ़ेगी। जब बाबर आजम से सवाल का जवाब चाहिए था, जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी बहुत सारे क्रिकेट खेले जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो अभी मुझे इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं, मैं बात की वो बात की बात हो जाएगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस साल बिग बैश लीग में खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। कौन है ये 3 खिलाड़ी? मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और खुद बाबर आजम। खबर तो यही है, अब जब ड्राफ्ट होगा है ना, तब देखा जाएगा कि बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को और शाहीन शाह अफरीदी को बिग बैश लीग की कोई टीम अपनी अपनी टीम में शामिल करती है नहीं, और अगर करती है तो ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। वीमेंस बिग बैश लीग में तो नीदा दार जो पाकिस्तान की ऑलराउंडर है वो तो खेल चुकी है ना, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी में, मतलब हैरिस रॉफ खेला हुआ ऐसा नहीं है, मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते, लेकिन बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान आज तक कभी भी बीबीएल नहीं खेले हैं, है ना, बिग बैश लीग नहीं खेले है। तो अगर बिग बैश लीग खेलेंगे तो फैंस को और क्या ही चाहिए, एक तोहफे की तरह होगा, क्योंकि रिजवान भी T20 के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक है, बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं ही, और शाहीन शाह अफरीदी की औकात तो आप सभी को पता ही है कि कितने शानदार गेंदबाज हैं, और बड़े से बड़े बल्लेबाजों को अपने इनस्विंगर यॉर्कर पर उन्होंने नचाया हुआ है। तो होप्स हो कि तीनों खिलाड़ी इस बार बीबीएल खेले। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एरिन हॉलैंड ये है इनके बेन कटिंग की वाइफ और क्रिकेट कमेंट्री करती हैं ये, आप सभी ने देखा होगा, पीएसएल में भी एरिन हॉलैंड को हमने देखा हुआ था एंकरिंग करते हुए, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और आपको जो है मोहम्मद रिजवान इस बार बिग बैश लीग में खेलते हुए दिखाई दे। इस वीडियो में बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए स्पोर्ट्स चौक के साथ बने रहिए। धन्यवाद।